नमस्कार दोस्तों, एक बेहद ही बुरी खबर सामने आ रही है जिसमें घर में रखे एक फ्रिज के कंप्रेशन में ब्लास्ट हो गया, जिसके दौरान परिवार के 5 सदस्यों को मृत घोषित कर दिया गया है। जी हां दोस्तों, पूरा मामला पंजाब के जालंधर से निकल कर आ रहा है। इस आगजनी वाली घटना के दौरान परिवार के 3 बेटे बेटियों समेत 5 जनों को मृत घोषित किया है। हालांकि प्रशासन ने इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की है और मरने वालों में घर के मालिक भी शामिल हैं, जबकि उनकी बुजुर्ग पत्नी बलबीर कौर जो कि घर के बाहर बैठी थी और सुरक्षित बच गई है, और मरने वालों पहचान है रुचि दिया अक्षय यशपाल गई और मनसा के रूप में कर ली गई है, जबकि यशपाल का बेटा इंद्रपाल गंभीर रूप से जख्मी है और जिसे देर रात रेफर कर दिया गया है। यह घटना जालंधर के अवतार नगर की गली नंबर 12 की है और मृतक यशपाल गई के भाई राज गई ने बताया कि उनके भाई ने अभी 7 महीने पहले ही एक नया डबल डोर रेफ्रिजरेटर फ्रिज खरीदा था और देर रात इसके कंप्रेशन में इस बड़ी घटना को अंजाम मिला है, जिसके बाद देखते देखते इस पूरी घटना को अंजाम मिला है और पूरी रात काबू पाने की कोशिश की, लेकिन 2 फायर ब्रिगेड की टीमें बुलाई गई जिसके दौरान ही आग पर काबू पाया गया है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। बताया जा रहा है कि पूरे परिवार को घर से बाहर निकलने तक कभी मौका नहीं मिला था। इस घटना के बाद परिवार सहित पूरे कॉलोनी में गम का माहौल बना हुआ है और पुलिस जाँच कर रही है। सो दोस्तों, बड़ी खबर थी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हुए कमेंट अपनी राय जरूर दें।